तो इसको हम कराएंगे पीछे चेक इन। मैं आ रहा हूँ अभी चंडीगढ़ से एंड ये वाला व्लॉग मैं बहुत बाद में डालूंगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं मैंगलोर क्यों जा रहा हूँ जब तक ये व्लॉग आएगा। आई वांट टू कीप फॉर द चेक इन। ये है बोर्डिंग पास गो फर्स्ट का, पीछे से कुछ एंटी के अलग है, सामने से कुछ ऐसा है। तो जब पहले मैंने ट्रैवल किया था गो एयर में तो कुछ ऐसा नहीं था, इसमें बोर्डिंग पास में प्रिंट भी देने लगे हैं कुछ। हम देखने वाले हैं कि गो फर्स्ट की सर्विस कैसी है गो एयर में जो थी उसके कंपैरिजन में अब कैसी है। दिस इज़ माई गेट, फ्लाइट इज़ G8369 टू मैंगलोर और May 2021 में इसका नाम चेंज करके गो फर्स्ट कर दिया था। तो इट इज़ ओन्ड बाई वादिया ग्रुप बाय द वे। तो उनसे जब पूछा गया कि नाम क्यों चेंज किया तो उन्होंने बोला कि यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए नाम चेंज किया गो फर्स्ट। कुछ इतना स्पेसिफिक रीज़न नहीं था ऑनेस्टली। अगर आपको पता है कि नाम चेंज क्यों हुआ तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, है ना, कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि नाम चेंज क्यों हुआ, क्योंकि मैंने रीड किया मुझे उतना क्लियर आंसर नहीं मिला। तो अब देखते हैं एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है। और दिस इज़ अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर अकॉर्डिंग टू वादिया ग्रुप। टिकट का प्राइस है 4,500 मुंबई टू मैंगलोर, ठीक है। तो अल्ट्रा लो कॉस्ट तो अब है कि नहीं, अब मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं देना चाहता, बट आई थिंक थोड़ी महंगी है मैंगलोर के हिसाब से, बिकॉज मैंगलोर यहाँ से 800-900 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा होगा शायद 1000 किलोमीटर होगा, पता नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 15 घंटे का रास्ता है मैंगलोर का अगर आप जाते हो ट्रेन से, तो ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि 4,500 की फ़्लाइट तभी है। सो फार सो गुड, अगर पहले ले लेते तो 3,000 की मिल सकती थी आपको, पर मुझे मिली है 4,500 की। बोर्डिंग स्टार्ट होगी अराउंड 4 और मुझे लग रही है भूख, तो देखते हैं कुछ खा लें भाई। अराउंड 4 बजे तक बोर्ड करेंगे। तो मैं ऊपर आ गया हूँ, ऊपर वाले फ्लोर्स में फूड कोर्ट है जो मुंबई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहीं पे। सो दिस इज़ टर्मिनल 1A एंड टर्मिनल 1B, गेट नंबर 28 1B में आता है आई थिंक सो। एंड ये है थोड़ा सा फूड आउटलेट, तो देखते हैं भाई कुछ खाते हैं, भूख भी लग रही है। अब जाके बोर्डिंग शुरू हुई है और टाइम देख लो कितना हो रहा है, 4:44 हो रहा है, 4:40 का डिपार्चर था, ऑलरेडी 2 घंटा लेट है। तो बोर्डिंग फाइनली स्टार्ट होती है और बहुत ही कमाल का सनसेट हो रहा होता है मुंबई में। मुंबई में ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब टेक ऑफ होती है ना फ्लाइट तो जुहू बीच के ऊपर से निकलती है, सनसेट बहुत ही कमाल का था। हालांकि 1-1.5 घंटा हम लेट थे फ्लाइट के लिए, जैसे हम आगे जाने लगे ये जो लाइन थी ये बहुत ही लंबी थी, कम से कम 15-20 मिनट लाइन पर ही खड़ा होना पड़ा। फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी बढ़िया था गो फर्स्ट का। गो एयर की फ़्लाइट्स होती थी इसके पहले, उनकी सीट्स होती थी ब्लू, ये थी ब्लैक जो कि मेरा फेवरेट कलर है, सीट्स काफ़ी बढ़िया लग रही थी। बट हाँ भाई साहब, साइज़ जो था, विड्थ जो थी वो थोड़ी छोटी थी, लेग स्पेस भी थोड़ी कम ही थी। तो गाइस फाइनली आई हैव बोर्डेड द फ्लाइट और बगल में कोई भी नहीं है, तो लेग स्पेस ठीक ठाक थी। मुझे लग रहा था कि शुरू में काफ़ी कम होगी, काफ़ी ठीक थी लेग स्पेस। ये थी विंडो शीट एंड प्लेन काफ़ी साफ था, कंडीशन काफ़ी नई लग रही थी। सो दिस वॉज A320, इतनी भी मैंने एयरबस की A320 में ट्रैवल किया है, एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा है, सबसे सेफेस्ट रहती है कंपेयर टू बोइंग। उसके अलावा ये था गो फर्स्ट कैफ़े, इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आपको प्री ऑर्डर करनी पड़ती है, जो मेरे सामने आप देख रहे हो ना ये सब आपको ऑन बोर्ड मिल जाता है। प्राइस वगैरह है आपको ऑफकोर्स इतना महंगा मिलेगा ही, मतलब 10-20 रुपये की चीज़ आपको 150-100 उससे कम क्या ही मिलेगी। हालांकि मैं आगे जाके कॉफ़ी लेता हूँ तो वो बताऊँगा मैं वो कॉफ़ी कैसी थी, बट दिस वॉज गो फर्स्ट कैफ़े। अभी इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्लैकिश में हो गया है, मतलब अंदर से पहले ब्लूइश था। आपकी हिट मेट पुणे से प्रतिकूलान से पहले विमान सैनिटाइज किया जाता है, अपने अपने से यात्री की सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि उड़ान के दौरान अपना फेस मास्क हर समय पहने रखें और अपनी सीट पर बैठे रहे। हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं और फर्स्ट यात्रा करने के लिए धन्यवाद। हालांकि हर कोई बैठ चुका था फ्लाइट में लेकिन टेक ऑफ होने का अभी फिलहाल तो कोई दूर दूर तक मैसेज था ही नहीं, लेट हो चुके थे काफ़ी ज़्यादा। तो हाँ भाई, पंचुअलिटी के मामले में तो मैं ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हो चुका था और ये है A320 एंड हाँ एक बार मैं लाइफ में ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा A380 क्योंकि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेन है, पर अभी इंडिया में भी ये शुरू हुआ है। और ये है ट्रे टेबल,
जो कि शायद एयर इंडिया जितनी एडजस्टेबल नहीं थी और थोड़ी हिल भी रही थी, मतलब सोचो कि थोड़ा बहुत अगर आप वेट डालते तो टूट भी सकती थी। विंडो के नाम पे इमरजेंसी सीट दी है, और सबसे घटिया विंडो सीट अगर कोई होती है तो वो इमरजेंसी होती है, बिकॉज हम नीचे देख ही नहीं सकते, जस्ट विंग के ऊपर होती है। मैंने विंडो मांगी थी, पूरी फ्लाइट खा ली है और यही दी है, क्योंकि एक्चुअली इनका क्या होता है ना, ये अल्ट्रा लो कॉस्ट है ना, तो इन लोग मतलब फ्री में कुछ भी नहीं देंगे, जीरो चीज़ें देंगे फ्री, जीरो कुछ भी हो फ्री कुछ नहीं मिलेगा भाई। तो मेरे सामने आप क्लाउड बर्स्ट देख सकते हो, मतलब वो छोटे से एरिया में बारिश हो रही थी एंड इट लुक्ड अमेजिंग, और सनसेट भी बहुत कमाल का था। एंड सामने से कोई प्लेन आ रहा था, उसके लैंड होने के बाद ही हम टेक ऑफ करते, पूरा जो नज़ारा था वो बहुत ही कमाल का था। फ्लाइट टेक ऑफ होते ही मुझे मन कर गया भाई साहब कुछ खाने का, लेकिन मैं आपको सब बता रहा हूँ आज से ज़्यादा मेन्यू इनके पास था नहीं, सब पैक्ड आइटम्स ही थे, जैसे मैगी हो गई, पोहा हो गया, वो सब खाने का मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। क्योंकि शाम हो रही है, शाम को एक कॉफ़ी पीनी तो बनती है, ऑलमोस्ट 5:20 हो रहा है, ठीक है, तो मैंने लिया ये कॉफ़ी एंड ये 100 रुपीज़ की, और इसको मुझे मिक्स करना पड़ेगा इसके साथ, तो ये प्रीमियम इंस्टेंट कॉफ़ी है, TGL कोई अलग कंपनी है उसकी है। हालांकि ये मेरे दिन की चौथी या पांचवी कॉफ़ी थी, मैं सुबह 6 बजे से ट्रैवल कर रहा था और बैक टू बैक व्लॉग कर रहा था, तो इससे मेरे को लगा चले यार चौथी पांचवी कॉफ़ी भी आन देते हैं। ये दिखने में थी काफ़ी एग्जॉटिक, बट टेस्ट इसका काफ़ी नॉर्मल ही था वैसे तो। वैसे आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि बैंड बजी पड़ी है और मैं सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए कॉफ़ी बहुत ज़रूरी थी। 5:53 और हमको पता है कब पहुंचना था, 4 बजे, लगभग सोचो 2-2.5 घंटा लेट पहुंचेंगे। और अगर मैं एरियल डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग अराउंड 800-900 किलोमीटर का होगा एरियल डिस्टेंस मुंबई और मैंगलोर में, और मुंबई बैंगलोर भी आई थिंक मुंबई बैंगलोर ज़्यादा है, मुंबई बैंगलोर हल्का सा कम है एरियल डिस्टेंस, अभी जो ऑन एयर टाइम है वो कम लगता है, लगभग अराउंड 1 घंटा लगता है हमको पहुँचने में मैंगलोर, एंड आई थिंक कोंकण के ऊपर से जाते हैं, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पर तो मैं कुछ देख नहीं पा रहा। तो राइट नाउ इट्स 6:01, स्टिल इन द फ्लाइट, 4 बजे पहुंचना था और अभी तक सब चल ही रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल टॉप पे हैं, तो ऑफ कोर्स सनसेट अभी फ़िलहाल तो ऊपर नहीं हुआ है, वी आर एट 35,000 फीट। पता नहीं कैसे जैसे तैसे कुछ नेविगेशन कैप्चर किया है, और पता नहीं फ्लाइट में ही कैसे इन्होंने कैसे कैप्चर हुआ, बट आई कैन सी द लोकेशन। तो देखो ये है मुंबई, यहाँ से हम निकले हैं, अभी यहाँ पे आए हैं, एंड दिस इज़ मैंगलोर। भाई प्लेन के अंदर ही देख पा रहा हूँ मैं, ज़्यादा दूर है नहीं है ना, अभी हम मडगांव से निकल रहे हैं, ये देखो मारगांव लिखा हुआ है, गोवा से निकल रहे हैं फिलहाल। ये फ़्लाइट मेरी उम्मीद से ज़्यादा लंबी हो रही है, मतलब मुझे लग रहा था कि भाई 25-30 मिनट में लैंड करवा देंगे या 50 मिनट्स में, लेकिन अभी 1 घंटा हो चुका है प्रॉपर ऑन एयर। मुंबई मैंगलोर यार मतलब भाई ट्रेन भी 15 घंटे लगते ही हैं, तो इतना कुछ पास में नहीं है, बट आई थिंक विद इन 10-15 मिनट्स डिसेंड होना शुरू हो जाएंगे। सो फार सो अमेजिंग, एंड कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं आराम आराम से। Cruising along at 37,000 feet and we should begin our descent another 5 minutes from now. We expect to land approximately 6:45 PM this. दिस इज़ द वॉशरूम ऑफ गो फर्स्ट A320, काफ़ी साफ था, काफ़ी बढ़िया था, और यहाँ से आप डोर लॉक एंड ओपन कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने टिश्यू पेपर दिए हुए थे, सोप डिस्पेंसर था जहाँ पे गो एयर हटाना भूल गए थे, अभी भी वहाँ पे ब्रांडिंग थी, एंड यहाँ से गर्म एंड ठंडा पानी आप ले सकते थे ऑनेस्टली। हाँ तो भाई हाँ ठीक है, मैं इसको बंद कर दूँगा, बट मैंने कोशिश की थी, हाँ अब हो गया भाई। गाइस फाइनली वी हैव लैंडेड मैंगलोर, और 7 बजे लैंड किया है भाई, हवा में भी 1.5 घंटे लग गए फॉर सम रीज़न,
मेरी बैटरी 1%, आई थिंक बैटरी मेरी डेड हो जाएगी डेड, तो मैं आपसे मिलता हूँ। वेल गाइस, सो आई हैव रीच्ड मैंगलोर। अभी हो रहे हैं शाम के 7, मुझे यहाँ पे 4 बजे आना था एंड आई हैव रीच्ड एट 7 इन द इवनिंग बोल सकते हो। एंड अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, बहुत थक गया हूँ, सुबह से व्लॉग कर रहा हूँ, मतलब सुबह 5 बजे से उठा हुआ हूँ, अब जाके जो है व्लॉगिंग बंद करूँगा। एंड यहाँ पे मैं आया हूँ कुछ बहुत 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 कमाल कंटेंट के लिए। शायद आप वो वीडियो देख चुके होंगे जब ये वीडियो लाइव होगा, पता है। थैंक यू। और हाँ, अगर बात करूँ मैं गो फर्स्ट की, तो भाई पंचुअलिटी ख़राब है बस, बाकी लेग रूम थोड़ा कम है, सीट थोड़ी छोटी हैं, बाकी तो अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर है ही, सस्ती टिकट्स मिलेंगी। ये पक्का है कि गो फर्स्ट की आपको मैक्सिमम सस्ती टिकट्स मिलेंगी कंपेयर टू एनी अदर एयरलाइन। और सर्विसेज यार फिर ऑब्वियसली वो ठीक ही होंगी ना, जब पैसा कम लेंगे तो वो सर्विसेज थोड़ी बहुत तो कम करेंगे, बट हाँ नेवर्थलेस 2 घंटे 1 घंटे में अब मैं मुंबई से मैंगलोर आ चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।